हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर अपना चल रहा था उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्थिर विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का नियम, वो अपन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर या टॉपिक अपन स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो स्थिर विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का नियम, कूलाम ने दो आवेश, एक Q1 और दूसरा Q2, मान लीजिए कि दो हमारे पास आवेश हैं, ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, एक तो स्थिर और दूसरा बिंदुवत। तो सबसे पहले बात करें अपन स्थिर आवेशों की, कि स्थिर आवेश पहले भी अपने डिस्कस किया कि जो कुचालक वस्तु पर जो आवेश आता है वो स्थिर अवस्था में होता है। मेन चीज है यहां पर बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश कौन सा है, जब आवेश अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं, बिंदुवत आवेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास सोडियम का एक परमाणु है Na, और जब हमें पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है, उस स्थिति में ये Na प्लस बन जाता है। अब Na प्लस जब ये बन गया तो ऐसी स्थिति में Na प्लस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, इतना आवेश आ गया। अब सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के परमाणु की बात हो रही है, और सोडियम का जो परमाणु है उसका आकार एंगस्ट्रम कोटि का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो Na प्लस पर जो आवेश हमारा उपस्थित है ये अत्यंत सूक्ष्म भाग में हो गया, तो इस आवेश को हम क्या कहेंगे, बिंदुवत आवेश कहेंगे। तो दो स्थिर और बिंदुवत आवेश। अब कूलाम ने क्या बताया कि अगर मान लीजिए ये दोनों जो आवेश हैं Q1 और Q2 अगर दोनों प्लस के रहे तब तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर एक प्लस का रहा दूसरा माइनस का रहा तो उस स्थिति में प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा तो दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे, और वो अपन जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में कहने का मतलब बल लगेगा, और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी चीज पर आधारित है जो कक्षा 11th में हमने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा था। वहां क्या पढ़ा था अपन ने, न्यूटन ने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग द्रव्यमान हैं, ये एक द्रव्यमान M1 है ये M2 है। अब ऐसी स्थिति में ये जो दोनों पिंड हैं वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और न्यूटन के अनुसार अगर ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह वहां से हटा लेते हैं तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, जी आ जाता है। देन एफ इज इक्वल्स टू जी M1 M2 / r². अब मैं यहां बात करूं, इसी चीज को कूलाम ने यहां पर विद्युत में अप्लाई किया, और कूलाम के अनुसार कि ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F, वो बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। F समानुपाती होगा Q1 Q2। क्या पता चल रहा है इस चीज से, यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर आवेश का मान हम बढ़ाएंगे, Q का मान बढ़ाएंगे, तो आवेश का मान बढ़ाने पर किसका मान बढ़ेगा, बल का मान। तो आवेशों का परिमाण जितना ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाला बल भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड चीज, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, कि अगर हम r का मान बढ़ाएंगे, दोनों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ाएंगे तो F का मान है वो कट जाएगा। तो कहने का मतलब आवेश जितनी ज्यादा दूरी पर होते हैं उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उतना ही कम होता है। अब इन दोनों समीकरणों को यदि मैं एक साथ लिखूं तो यहां से समीकरण एक व समीकरण दो से इनके बीच लगने वाला बल F समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2, और व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, r² के। जैसे ही इन दोनों के बीच समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k, देन F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 / r². ये तो फॉर्मूला है मैन बल का, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 / r². अब K क्या है, K कांस्टेंट है, और उसके बारे में यहां पर बात करें
तो यहां के जो है वो एक नियतांक है, के एक नियतांक है, और इसी के बारे में बात कर लें तो अपन नेक्स्ट बात करें के बारे में, के बारे में। तो अगर के बारे में अपन बात करें तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या करी है, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से के की वैल्यू हम निकालें तो आर स्क्वायर इधर गुणा में आ जाएगा, देन के इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू। ये हमारे पास मान आ गया के का। अब सबसे पहले तो देख लें अपन इसका एम के एस या एसआई मात्रक, एम के एस या एसआई मात्रक। तो हमें के का मात्रक देखना है, तो के का मात्रक देखेंगे तो एफ की बात करें पहले, तो बल का मात्रक तो क्या हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर, आर दूरी है तो दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और क्यू इंटू क्यू कुलाम, कुलाम तो वो हो गया कुलाम स्क्वायर। तो एम के एस या एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। और इसका जो मान होता है एसआई पद्धति में वो हम लेते हैं 9 × 10⁻⁹। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जी का मान 6.67 × 10⁻¹² अपन यूज में लेते थे, तो उसी तरीके से यहां पर के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ और वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलाम स्क्वायर। फिर अपन बात करें इसके सीजीएस मात्रक की, तो के का जो सीजीएस मात्रक होता है, और सीजीएस मात्रक होता है न्यूटन की जगह क्या हो गया डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और आवेश का सीजीएस मात्रक कूलाम की जगह क्या आ जाएगा स्टेट कूलाम, तो वो हो गया स्टेट कूलाम का स्क्वायर। तो ये सीजीएस पद्धति में हो गया इसका मात्रक। बात करें अपन के की विमा की, तो के की यदि विमा हम निकालें तो के की विमा निकालने के लिए फॉर्मूला देखें एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू टू। तो एफ की विमा तो क्या हो गई एम वन एल वन टी माइनस टू, इधर आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर तो लंबाई दो बार एल टू, और अपॉन क्यू इंटू क्यू, क्यू क्या है यहां पे चार्ज, और आवेश की विमा आपको बताई हुई है ए वन टी वन, देन ए वन टी वन यहां पर और ए वन टी वन यहां पर। अब इसको हम सोल्व करें, तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो एम की बात करें पहले, तो एम की पावर कितनी हो गई वन, लंबाई देखो वन और टू यहां पर थ्री, तो ये हो गया एम वन एल थ्री, और उसके बाद टाइम की बात करें तो टी माइनस टू यहां पे है वन एंड वन ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस फोर, तो टी माइनस फोर ए वन ए वन ए टू हो गया और ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस टू, देन एम वन एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू, ये विमा होती है के की। फिर अब अपन बात करते हैं, वहां पर आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अभी ये कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे ही हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो इसको पृथ्वी अभी अपनी ओर खींच रही है, कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अभी दोनों के बीच में माध्यम क्या है, वायु है। अगर मान लीजिए अब इसको पृथ्वी एक न्यूटन के बल से नीचे खींच रही है, अगर इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, मान लीजिए कोई लकड़ी का आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो पहले एक न्यूटन से खींच रही थी तो अब भी उसको एक न्यूटन से ही खींचेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो कुलाम बल होता है और चुंबकीय बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, अब ये जो चुंबक है वो यहां रखी हुई है, अभी इसके चारों ओर क्या है, वायु है। अभी ये जो चुंबक है किसी लोहे की वस्तु को अधिकतम इतनी दूरी से अपने पास खींच कर ला सकती है, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई एक पत्थर का टुकड़ा रख दूं तो अब यही चुंबक उस लोहे के टुकड़े को अब इतनी दूरी से खींचकर नहीं ला पाएगी। क्यों, क्योंकि माध्यम रखने पर चुंबकीय बल का मान कम हो गया। सेम यही चीज मैं आवेश के लिए करता तो वहां पर भी यही चीज लागू होती। कहने का मतलब यह हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, माध्यम पर, और वो किस तरीके से निर्भर करता है तो पहले उसको देखें। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं के पर माध्यम का प्रभाव, के पर माध्यम का प्रभाव। अब देखो हो सकता है कि पहले माध्यम निर्वात है कि दो आवेश रखे हुए हैं और दोनों के बीच में केवल और केवल निर्वात है, तो अगर मैं बात करूं निर्वात के लिए तो पहला केस मैं ले रहा हूं निर्वात में या निर्वात के लिए,
जब निर्वात होगा तो निर्वात में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के की बात करें तो के की जगह हमें लिखना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू है 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अब यहां बात करें, एक नई चीज आई है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता, यहां आगे जीरो लिखा हुआ है, मतलब ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन जीरो को हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब प्रश्न आया कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें विद्युतशीलता की, तो विद्युतशीलता की परिभाषा, और विद्युतशीलता की परिभाषा है कि किसी माध्यम में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, विद्युतशीलता कहते हैं। कि किसी माध्यम में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिकतम गुजर सकती हैं वो क्या कहलाएगा, विद्युतशीलता कहलाएगा। किस तरीके से, देखो कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक आवेशित वस्तु है। अब ये जो आवेशित वस्तु है ये हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उत्सर्जन करती है, या इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, ताकि उसमें उस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेशित वस्तु को जब हम लाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। और जितनी दूरी तक ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैली होती हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे अभी इसके चारों ओर क्या है, निर्वात है। उस निर्वात में जैसे अभी कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जा रही है। अगर मैं इसके चारों ओर कोई दूसरा माध्यम रख दूं, मान लीजिए कपास रख दिया, कागज रख दिया, लकड़ी, कांच, कुछ भी दूसरा, कोई भी दूसरा माध्यम रख दिया, फिर उस माध्यम निर्वात में कितनी गुजर रही थी, 9, उस माध्यम में से कितनी गुजर रही हैं, तो उसमें से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो यहां बात करें हम एप्सिलॉन जीरो की, तो एक बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूं, और समीकरण चार से जब हम बात करें किसकी, एप्सिलॉन जीरो की, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के। तो ये जो मान है ये हो गया एप्सिलॉन जीरो का, इसको यहां ले गए, के को यहां ले आए। अच्छा पहले मान देख लें एक बार, तो 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, के की वैल्यू 9×10⁻¹। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आएगा 8.85×10⁻¹². और मात्रक क्या हो जाएगा, अब मात्रक भी देख लो, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक चाहिए तो 1 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, पाई का नहीं होता, मतलब जो के का मात्रक होगा उसका उल्टा किसका मात्रक होगा, एप्सिलॉन जीरो का। के का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो मान है ये हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन जीरो का, और ये इसका मात्रक जस उसका उल्टा। तो ये तो हो गया एप्सिलॉन जीरो का मान। अगर हम देखें एप्सिलॉन जीरो की विमा, कि जो विद्युतशीलता है उसकी विमा क्या होगी, तो हमें पता है कि ये के का उल्टा है मात्रक में, तो उसी तरीके से विमा में भी उल्टा होगा, तो के की विमा का जस्ट उल्टा, के की विमा थी m1 तो ये उल्टा हो जाएगा m-1, वहां क्या था l3 तो अब हो जाएगा l-3, वहां क्या था t-4 तो अब हो जाएगा t4, वहां था a-2 तो अब क्या हो जाएगा a2। तो ये विमा होती है एप्सिलॉन जीरो की। तो जब हमारे पास निर्वात होगा तो निर्वात में हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन बात करें निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम में, तो अगर मान लीजिए निर्वात के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम है, तो अन्य किसी माध्यम में उस स्थिति में हम जो के है उसकी जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो निर्वात में तो क्या रख दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां अगर कोई दूसरा माध्यम है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां पर यदि हम बात करें तो इस बार जीरो नहीं है उसके आगे, तो यहां केवल एप्सिलॉन आया है। एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं।
एप्सिलॉन यहां पर क्या हो गया, उस माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। अब देखो यहां पे एप्सिलॉन है वो विद्युतशीलता है। अब एक नई चीज यहां पर आती है, उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर उसका नाम है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, और यह है एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता या एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक। अब क्या चीज है, नाम से पता चल रहा है आपेक्षिक मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष, और यहां यह चीज किसके सापेक्ष हो रही है, निर्वात के सापेक्ष। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन ये किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की, ये किसकी हो गई, निर्वात की। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो यहां से अगर एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो है तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो वैल्यू है माध्यम की विद्युतशीलता का मान निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक के गुणनफल के समान होता है। परावैद्युतांक क्या है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता का मान कितना है। अब यही वैल्यू मैं अगर यहां पुट करूं तो अगर कोई दूसरा माध्यम है तो वहां के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0εr। तो अगर निर्वात है हमारे पास तब तो के की जगह केवल इतना ही लिखना है, और अगर निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है तब हम लिखेंगे 1/4πε0εr। एप्सिलॉन आर है वो उस माध्यम का क्या हो गया, परावैद्युतांक हो गया। अगर बात करें दो तीन एप्सिलॉन आर की परावैद्युतांक, तो पहली चीज देखो विद्युतशीलता बटा विद्युतशीलता, ये माध्यम की ये निर्वात की, दोनों के मात्रक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो गई, मात्रकहीन राशि है, परावैद्युतांक मात्रकहीन होता है। फिर सेकंड बात करें इसका जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, किसके लिए। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरा माध्यम ही निर्वात है, तो माध्यम ही निर्वात है तो उस स्थिति में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, भाई माध्यम भी निर्वात ले रहा हूं बटे में भी निर्वात है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है, 1। ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। तो एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान है वो 1 होता है, और वो किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है। फिर मैं बात करूं अधिकतम मान की, कि एप्सिलॉन आर का अधिकतम मान वो आपको याद रखना है कि अनंत होता है। जितनी भी सारी धातु होती हैं यानी चालक पदार्थ होते हैं, तो चालकों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत। और लास्ट अपने को याद रखना है कि जितने भी सारे कुचालक पदार्थ होते हैं, तो जो कुचालक वस्तुएं होती हैं उनके लिए इसका मान 1 से अनंत के बीच में। तो दो तीन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात तो एप्सिलॉन आर मात्रकहीन राशि है, न्यूनतम मान 1 होता है, अधिकतम मान अनंत होता है, और कुचालक पदार्थों के लिए इसका मान 1 से अनंत के बीच में होता है। इसके आगे का डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।